हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए BMDC 133 यानी कि रियल एनालिसिस का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, और जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। इसके साथ ही आपका जो सिलेबस है और जो आपकी बुक है, दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगा, और आपके सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओ। उसके बाद जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, वो आपको समझाया जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और सबसे एंड में आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, उससे 1 मंथ बिफोर आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। आपके इसमें क्या होगा, इसमें आपके पूरे कोर्स का एक फास्ट रिविजन होगा, जिससे कि आपकी तैयारी भी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ रियल नंबर। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हमने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर थर्ड। अगर आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकेंड नहीं देखा है, तो प्लीज पहले वो देख लीजिएगा। यहाँ पर सभी लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप प्रीवियस सारे लेक्चर नहीं देखोगे, तो आज का लेक्चर समझने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। इससे पहले क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। अब आपकी मर्जी, आप ओपन करें या ना करें, आपकी बुक का जितना भी सिलेबस है सारा हम कराने वाले हैं, ठीक है। आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका यूनिट फर्स्ट है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। यहाँ पर वो सारे टॉपिक लिखे हैं, ठीक है, जो आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। तो हम लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं आपको बता देते हैं। यहाँ पे जितने भी टॉपिक दिए ना, हर टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी वाला पार्ट, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर इस चैप्टर को समझने में या फिर इनमें से किसी भी टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत आती है, तो हम आपको एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ाते हैं, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले ये इंपॉर्टेंट नोटिस भी देख लीजिएगा। मान लीजिए आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट नोटिस, ठीक है। मान लीजिए आप कोई से भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब, या तो आप कोई थ्योरी वाला पार्ट कर रहे होंगे, या फिर आप कोई एग्जाम्पल कर रहे होंगे, या फिर आप कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उस टॉपिक के सामने सिंगल स्टार लगाए, तो आप समझ जाना उस टॉपिक को आपको केवल समझना, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। सिंगल स्टार वाले टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिंगल स्टार वाले टॉपिक को छोड़ दिया, अपने बेसिक को क्लियर नहीं किया, तो आप उन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आने वाले। अगर किसी टॉपिक के सामने डबल स्टार लगा है, तो उस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस कितने हैं, 70 to 80% है। हम हर टॉपिक के साथ साथ आपको बताते हुए भी चलेंगे, ठीक है। और जिसके सामने ट्रिपल स्टार लगा है, उसके एग्जाम में आने के चांसेस 80 to 100% है। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल जाता है जिसके सामने 5 स्टार लगाओ, क्या लगाओ, 5 स्टार लगाओ, तो इसका मतलब उस टॉपिक में से कंफर्म एक क्वेश्चन, 5 स्टार वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम कॉपी नहीं होगा, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, ठीक है, उसकी लैंग्वेज चेंज होगी, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन 100, लेकिन 5 स्टार वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, इसका नाम क्या है, कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। इसका हम लोगों ने सबसे, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था, सेंटेंस किसे कहते हैं, और सेंटेंस के अंदर स्टेटमेंट और मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था लॉजिकल कनेक्टिव के अंदर, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिसजंक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था लेक्चर नंबर सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो इसलिए पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकेंड देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा, आप लेक्चर नंबर फर्स्ट को पूरा देखना। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट का जितना भी सिलेबस है, उसके बारे में डिटेल में समझाया कि हमें यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने और किस तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। ये सेकंड टॉपिक था पर, और ये आपका थर्ड टॉपिक था लॉजिकल क्वांटिफाइड, ये भी दो टाइप के थे। इसके साथ ही जैसे हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स में क्या, उसी तरीके से आज जैसे हम लेक्चर नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं, तो लेक्चर नंबर थर्ड में हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड
आपकी बुक में जो भी थ्योरी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम लोग लेक्चर नंबर थर्ड में कवर करेंगे, ठीक है। और स्टार्ट का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, ये हमने आपको समझाया दिया था, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास लेक्चर नंबर थर्ड, जिसमें हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव किसे कहते हैं ये तो हमने पढ़ लिया था अपने पहले वाले, इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लॉजिकल कनेक्टिव की डेफिनेशन और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ट्रिपल स्टार टॉपिक है। और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने लॉजिकल कनेक्टिव के पहले वाले टाइप को समझ लिया था, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले कंजंक्शन किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे लेक्चर नंबर थर्ड में, उसके बाद नेगेशन, उसके बाद फिर कंडीशनल, ठीक है। और ये तो आपको मैंने बताया ही था कि लेक्चर से रिलेटेड आपकी बुक की थ्योरी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज आप देख लीजिएगा लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर आपके बुक के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव की डेफिनेशन हम लोगों ने लेक्चर नंबर टू में अच्छे से समझ ली थी, ठीक है। और लेक्चर नंबर टू में हम लोगों ने हमारा फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव यानी डिसजंक्शन को सीख लिया था। डिसजंक्शन में आपने क्या सीखा था, बहुत आराम से ना ये रिपीट करना हमारे जरूरी है, क्यों बताते हैं। डिसजंक्शन में क्या था, अगर आपके दो स्टेटमेंट पी और क्यू दे रखा है, ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक का, सॉरी इन दोनों स्टेटमेंट का पी और क्यू, ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक का पी और क्यू आपको फाइंड करना, ये हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में सीख लिया था। और पी और क्यू कब ट्रू होता है, कब फॉल्स होता है, ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से कवर कर ली थी। इसलिए प्लीज बच्चों आप लोग पहले के सारे लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको आज का जो लेक्चर नंबर थर्ड होगा जिसमें हम लोग सीखेंगे कंजंक्शन के बारे में वो आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन का सिंबल क्या है हमारे पास, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, और भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं और, या तो आप ये ऐसे उल्टा भी बनाओ, सॉरी बच्चों एंड है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, और नहीं है एंड है, ठीक है। और तो हमारा वो डिसजंक्शन था, यहाँ पे कितना आएगा एंड, एक मिनट से रफ कर देते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे एंड, ठीक है। तो ये या तो फिर ऐसे लिखो उल्टा भी, और आप इस उल्टे भी को क्या पढ़ोगे एंड पढ़ोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, यानी दो स्टेटमेंट पी और क्यू का जो कंजंक्शन होगा वो क्या होगा, एक कंपाउंड स्टेटमेंट होगी पी एंड क्यू के जैसे, और उसको हम लोग किस तरह डिनोट करेंगे, पी एंड क्यू इस तरीके से। अब हम लोग इस सिंबल को ना एंड बोलेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ट्रिपल स्टार टॉपिक के ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, देखो इसको समझना बहुत आराम से। अगर मान लो अगर दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक स्टेटमेंट दे रखी है क्या हमारे पास पी, एक स्टेटमेंट है स्टेटमेंट फर्स्ट, और क्यू भी आपकी एक स्टेटमेंट है, कुछ भी दे सकते हैं। स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इससे पहले वाले लेक्चर सारे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका पी एंड क्यू निकालें, पी एंड क्यू मतलब कंजक्शन निकाले, तो क्या आएगा, यही तो आएगा इसका स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है, और एंड लगा दो और यहां पे दूसरी स्टेटमेंट लिख दो, अभी क्लियर है। अब यहां पे नोट करना एक बार ध्यान, दो ये पी एक स्टेटमेंट है, क्यू एक स्टेटमेंट है, तो पी एंड क्यू भी क्या होगी, एक स्टेटमेंट होगी। और यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि पी एक स्टेटमेंट है तो या तो ये ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी, ठीक है। उसी तरीके से स्टेटमेंट टू भी, ये भी क्या है, क्यू क्या है स्टेटमेंट है, ये भी या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। सेम अगेन पी एंड क्यू भी क्या है, एक स्टेटमेंट है, तो ये भी क्या होगी, या तो ये ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी। तो वहां पर ये लिखा हुआ है, नोट करके देख लीजिएगा, इफ बोथ पी एंड क्यू ट्रू, इज आर आएगा, ठीक है, इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, अगर पी और क्यू दोनों ट्रू है तब आपका पी एंड क्यू क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज पी एंड क्यू इज फॉल्स। समझ में आ रहा है, अगर दोनों ही आपका ट्रू है, देखो यहाँ पे हम करके दिखाते हैं कंजंक्शन में क्या होता है, अगर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, जैसे पहले वाले स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, अगर मान लो ये भी ट्रू है, ठीक है, और दूसरा वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो आपका पी एंड क्यू जो आएगा वो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है, तो पी एंड क्यू क्या आपका आएगा, फॉल्स आएगा।
अगर पहला वाला आपका फॉल्स है, दूसरा वाला आपका ट्रू है, तब भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर मान लो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी फॉल्स और फॉल्स दे रखी है, तब भी ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे नोटिस करो, ट्रू कब होगा? जब दोनों ही ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो पी एंड क्यू भी क्या ट्रू होगा। बाकी हर केस में क्या होने वाला है? फॉल्स होगा। इतना क्लियर है? अच्छे से बेसिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, क्या देखा है एग्जाम्पल? फर्स्ट क्या देखा है? हियर वी हैव टू स्टेटमेंट P एंड Q, दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है? P ग्रेटर देन Q। ये बताओ क्या है? ये हमारे पास ट्रू है ना, टू तो जीरो से ग्रेटर होता है। दूसरा क्या हमारे पास, दूसरी स्टेटमेंट क्या है? टू ग्रेटर देन फाइव, क्या टू के टू फाइव से ग्रेटर होता है? फॉल्स, यानी ये क्या है? फॉल्स है। नाउ अब इसका कंजंक्शन क्या बनेगा? कंजंक्शन का मतलब क्या होता है हमारे पास? अगर आप इसका अब एंड या कंजंक्शन निकालेंगे तो क्या होगा? P एंड Q। अब हम एंड बोलेंगे, हमेशा ध्यान रखना, कंजंक्शन को क्या बोलेंगे? एंड बोलेंगे। तो पी एंड क्यू क्या आने वाला है? ये हमने वर्ड में लिख दिया, टू ग्रेटर देन जीरो एंड, सिंपल एंड आ जाएगा। और दूसरा क्या है? टू इज ग्रेटर देन फाइव, ठीक है? या फिर से ऐसे सिंपल के फॉर्म में लिख दो, ये देखो टू ग्रेटर देन जीरो एंड और टू ग्रेटर देन फाइव। अब यहाँ पे नोटिस करना कि पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू, और दूसरा वाला क्या है? फॉल्स। इसका मतलब ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। अभी तो बताया था कंजंक्शन में या फिर एंड में दोनों का ट्रू होना जरूरी है। अभी क्लियर है? तो रीजन क्या लिखा हुआ है? सिंस स्टेटमेंट पी इज ट्रू स्टेटमेंट, देखो पी इज ट्रू स्टेटमेंट एंड क्यू क्या ऐसा है हमारे पास? क्यू एक हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, देयरफॉर डिसजंक्शन, ठीक है? डिसजंक्शन क्या होगा? पी एंड क्यू इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इतना याद रहेगा, वो यहाँ पे लिखा है, अब आप लोग पढ़ लीजिएगा। इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, ठीक है, देन पी एंड क्यू क्या होगा हमारे पास? ट्रू होगा। अदरवाइज पी एंड क्यू क्या होने वाला है हमारे पास? फॉल्स होगा। दोनों ही ट्रू होना बहुत जरूरी है, इसको रिपीट कर लीजिए आप लोग, ठीक है? नहीं समझ आएगा तो बैक जाके जरूर देख लीजिएगा। अब देखो इसमें इतना ही करना था, ठीक है, और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक है? आप चैप्टर पूरा देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने ये सीख लिया, लॉजिकल कनेक्टिव हो गया, डिसजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हम लोगों ने अभी सीख लिया एंड, ठीक है? एंड में बेसिक आपको क्या याद रखना है कि दोनों ट्रू होंगे, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी ट्रू होगा, ठीक है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपकी बुक जो इग्नू की बुक है, उस बुक में जो भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए होंगे और प्रैक्टिस और इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम स्टार के शुरू आपको बता ही दे रहे हैं, ठीक है? वो आपको करने वाले हैं, ठीक है? उसके अलावा और भी कुछ आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है? अभी देखिए ये आपकी बुक का क्वेश्चन दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक का ही। हमने कहा था ना आपके बुक के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे करवाने वाले हैं, तो ये आपकी बुक का एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिंगल स्टार वाला, ये केवल समझना है। एक स्टेटमेंट पी दे रखा है, पी क्या देखा है? इग्नू इज अ मेगा यूनिवर्सिटी। सेकेंड क्यू क्या दे रखा है? मार्च 8 इज अ इंटरनेशनल वुमन डे। ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, तो इसका एंड क्या होगा? अरे मिक्स करके जैसे हमने बताया था पी एंड क्यू सच दैट, देखो पहला सेंटेंस ये लिखा हुआ है ना, और दूसरा आपका जो स्टेटमेंट है देखो ये लिखा हुआ है, लिखू तो ऐसा पूरा, ये देखो ये लिख रहे ना आपको, ये बस वही। अब सेकेंड वाला देख लो, सेकेंड वाला क्या दे रखा है? ये ऑलरेडी कंजंक्शन बना रखा है, ठीक है? ये कंजंक्शन बना रखा है किस इसका? इसका 2 + 1 = 3 और 3 = 5। देखो यहाँ पर हम आपको अलग से सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है? जो सेकंड वाला एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास? यहाँ ऑलरेडी इन्होंने कंजंक्शन बना रखा है पी एंड क्यू, क्या दे रखा है? 2 + 1 = 3 एंड और आपका 3 = 5, यानी दो स्टेटमेंट का ये कंजंक्शन है, एक तो 2 + 1 = 3 का, और दूसरा क्या दे रखा हमारे पास? दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है? दूसरा देखा है हमारे पास 3 = 5। अब बताओ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? पहला वाला स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है, ठीक है? और दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या हमारे पास? फॉल्स है। दूसरा क्या है? फॉल्स है। एक ट्रू एक फॉल्स, इसका मतलब इसका जो कंजंक्शन जो एंड होगा वो भी क्या होगा? फॉल्स होगा। एंड में या कंजंक्शन में ट्रू तभी होता है जब दोनों के दोनों ट्रू हो, अगर दोनों ट्रू है तभी होगा। क्लियर है? हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब ये वाला देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है आपकी बुक का, यहाँ पर हम लोग अलग से लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखो क्या दे रखा है इन्होंने गिवन में,
स्टेटमेंट दे रखी है इवन में, कौन कौन सी थी यहाँ पे? एक स्टेटमेंट दे रखी है पी, दे रखी हमारे पास टू डिवाइड ए इक्वल टू में वन, ठीक है, और ए क्या है, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या दे रखी है, हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू में पाई अपॉन थ्री, और जेड क्या है, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां लिख देते हम लोग, ठीक है। और पूछा क्या है, इन दोनों का कंजंक्शन, यानी आपको बताना है पी एंड क्यू, जो भी इसका पी एंड क्यू आएगा क्या आएगा, टू डिवाइड ए इक्वल टू में वन, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और एंड, और यहाँ पे कितना हमारे पास दे रखा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू में पाई अपॉन थ्री। क्वेश्चन बोल रखा है कि ऐसा कौन सा केस होगा जब ये क्या होगा, हमारे पास ट्रू होगा, ये बोल रखा है कि ए की कौन सी वैल्यू के लिए और जेड की कौन सी वैल्यू के लिए हमारा पी एंड क्यू क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे समझना, ये आपका पी एंड क्यू ट्रू कब होगा, जब आपका पहला वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो, समझना आराम से, और आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो। अगर आपका दोनों ट्रू है तो आपका पी एंड क्यू भी क्या, तो दोनों क्या होगा, ट्रू होगा। तो हम देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट पी जो है वो ट्रू कब होगा, पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, ठीक है। तो बात सबसे पहले फर्स्टली करते हैं, फोर पी सच दैट टू डिवाइड ए इक्वल टू वन। अब आप नोटिस करो कि हम टू में ऐसे कौन से ए, यानी रियल नंबर टू में ऐसे कौन से ए का डिवाइड करके आपका आंसर वन आ जाए, और ए क्या है, रियल नंबर, ऑब्वियसली बात है ए इक्वल टू में टू, आपको समझ में आ रहा है। अगर हम टू में टू का डिवाइड करेंगे तभी तो आपका वन आएगा, तो यानी ए की कंडीशन तो आपको मिल गई कि अगर ए की वैल्यू ट्रू होगी तब स्टेटमेंट पी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी ए का आंसर आपको मिल गया। अब सेकेंड करो, क्यू के लिए देखते हैं, फोर क्यू, क्यू हमारे पास क्या दे रखा था, क्यू देखो हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू में पाई अपॉन थ्री, और जेड क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। अब आपको बताना है कि ऐसा जेड की किस वैल्यू के लिए पाई अपॉन थ्री क्या होगा हमारे पास, मतलब ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आने वाली है, ठीक है, कौन सी वैल्यू के लिए। तो इससे पहले आप लोग एक बात समझ लें, आर्गुमेंट जेड एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता है तो पहले प्लीज आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो जेड क्या हमारे पास, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग अल्फा प्लस आई बीटा कुछ इस तरीके से शो करते हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में बीएमटीसी 131 में सीखा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीज सीखनी पड़ेगी, एक चीज टेन अल्फा, अगर हम टेन थीटा निकालें, इसमें एंगल भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, एंगल फॉर्मूला, वो होता है बीटा अपॉन में अल्फा, ये आई के साथ वाली वैल्यू, और ये अल्फा को हम ऐसे रखते हैं, यानी आई के साथ वाली वैल्यू को ऊपर रखते हैं और अल्फा को नीचे रखते हैं, इतना समझ लेना, वरना बाकी डिटेल में बीएमटीसी 131 देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर, और अगर हम इसको सॉल्व करें, आपको पता है सॉल्व करने पे थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स बीटा अपॉन में अल्फा, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्या दे रखा हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा हमारे पास, ये दे रखा था क्यू इक्वल टू आर्गुमेंट जेड, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इसको हटा के केवल केवल इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से, आर्गुमेंट जेड इक्वल टू में पाई अपॉन थ्री। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो जो आर्गुमेंट होता है वो थीटा होता है, ठीक है, या पुट कर दो, पुट करो यहाँ पे आर्गुमेंट जेड की वैल्यू, या फिर यहाँ पे अलग से साइड में लो आर्गुमेंट जेड इक्वल टू थीटा। अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो क्या, थीटा इक्वल टू में पाई अपॉन थ्री वहां पे बता रखा है, और थीटा हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, टेन इनवर्स बीटा अपॉन में अल्फा इक्वल टू में पाई अपॉन थ्री, और ये इनवर्स इधर आके तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा अपॉन में अल्फा इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, ये टेन पाई अपॉन में थ्री, ठीक है। अब बच्चों इसको हम रफ कर देते हैं बच्चों, इधर थोड़ी सी जगह नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, आपने ये सब नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आंसर आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो
टेन पाई अपॉन थ्री कितना होता है हमारे पास, ये बीटा अपॉन में अल्फा इक्वल टू में यानी टेन 60, और टेन 60 क्या होता है रूट थ्री, यानी बीटा अपॉन में अल्फा इक्वल टू में कितना हमारे पास ये रूट थ्री, यानी बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिलने वाली है रूट थ्री अल्फा, ठीक है। ये बीटा का आंसर आ गया, यानी जेड का आंसर क्या होगा हमारे पास, जेड इक्वल टू अल्फा प्लस में आई बीटा, है ना। तो वैल्यू पुट कर लो, अल्फा बीटा हमारे पास क्या था रूट थ्री अल्फा और आपका आई, यहां से कितना आंसर आएगा देखो, यहां से जेड का कितना आंसर आ गया हमारे पास, यानी जेड इक्वल टू अल्फा में अल्फा प्लस रूट थ्री अल्फा और आपका आई, ठीक है। यहां से अगर हम अल्फा कॉमन लेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, वन प्लस में रूट थ्री और आपका आई, जेड की इस वैल्यू के लिए। और अल्फा क्या है, अल्फा ग्रेटर देन जीरो, एक पॉजिटिव नंबर, यानी आपको समझ आ गया। अब अगर फाइनल आंसर क्या है, देयरफोर ए इक्वल टू टू एंड जेड इक्वल टू अल्फा वन प्लस में रूट थ्री आई के लिए, जो आपका गिवन दे रखा है, गिवन कंजक्शन इज ट्रू, ये तो पूछा था कि ए की और जेड की किस वैल्यू के लिए आपका कंजक्शन ट्रू होगा, ठीक है इतना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा, नेक्स्ट क्या दे रखा हमारे पास, ये भी लिख लो देखो जरा। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, दो स्टेटमेंट दे रखी है, पी एक्स ग्रेटर देन माइनस का टू, ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट क्या जाएगी हमारे पास, एक्स प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू सेवन, और आपको क्या बताना है कि पी एंड क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू हमारे पास क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन माइनस टू एंड, और दूसरा क्या हमारे पास, एक्स प्लस में थ्री इज नॉट इक्वल टू सेवन, आपको बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए हमारा स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू होगा, है ना, ठीक है, ओके। पूछा हमारे पास क्या कि x की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, x की किस वैल्यू के लिए हमारा ये जो कंजक्शन है वो कैसा होने वाला है, ट्रू होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू कब होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं अगेन, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू कब होगा, जब आपका ये भी ट्रू हो, ठीक है, और जब आपका ये भी ट्रू हो। सॉल्व करें इसे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट पी दे रखा है ये कब ट्रू होगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले चेक करते हैं, फोर पी और एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, यानी ये जो हमारा स्टेटमेंट दे रखा है ये एक्स की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा, ठीक है। अब हम मुझे आप खुद सोचिए बताओ, देखना बहुत आराम से, माइनस टू से ग्रेटर क्या होता है, माइनस टू से ग्रेटर क्या होता है, माइनस का वन, है ना, यानी माइनस टू से बड़ी जो भी सारी वैल्यू होगी हर वो क्या होगी, ट्रू होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो पहला वाला तो आपको क्लियर है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो सारे एक्स जो माइनस टू से ग्रेटर हो, ठीक है, और एक्स कौन से हो, रियल नंबर के अंदर हो, तो इसके लिए आपका पहला वाला स्टेटमेंट क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा, यानी माइनस टू से बड़ा कोई सा भी नंबर ले लो वो हमेशा माइनस टू से ग्रेटर आएगा, ठीक है। सेकेंड वाले स्टेटमेंट देख लो, सेकेंड स्टेटमेंट क्या दे रखी है, फोर, सेकेंड हमारी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, एक्स प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू सेवन, सेकेंड हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है कि एक्स प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू सेवन, बस ये बोल रखा है कि यहां पर हम एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करें, देखो जरा, मतलब यहां पर हम एक्स की कौन सी वैल्यू ऐड करें कि इन इन रखें कि तीनों इन उसको रखने के बाद ये सेवन के इक्वल आए, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक्स इक्वल टू फोर पुट कर दोगे, मान लिया हमने फोर पुट कर दिया, तब ये क्या हो जाएगा, तब तो ये इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं, अगर आपने एक्स इक्वल टू फोर पुट कर दिया तब तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा, जबकि हमें इक्वल नहीं, हमें इसे अनइक्वली यानी अनइक्वली प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू माइनस एक्स वैल्यू फोर नहीं होनी चाहिए, अगर एक्स की वैल्यू फोर नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए कैसी रहेगी, हमेशा के लिए स्टेटमेंट ट्रू रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, नाउ एक्स बिलोंग्स टू, एक्स क्या होगा पुट कर दें, एक्स क्या होगा, एक्स सच दैट दो तरीके का होगा, एक्स ग्रेटर देन माइनस टू होना चाहिए और एक्स क्या होना चाहिए इज नॉट इक्वल टू
4 होना चाहिए, और एक्स क्या हमारे पास रियल नंबर है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एक्स की वैल्यू ये एक तो -4 से ग्रेटर हो, है ना, एक्स की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए और एक्स की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। अगर ये केस रहेगा तो आपकी दोनों स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्यू और स्टेटमेंट पी, ठीक है, स्टेटमेंट क्यू और स्टेटमेंट पी दोनों की दोनों क्या होने वाली है, ट्रू होने वाली है। अगर दोनों ट्रू हो जाएगी तो आपको जो पी एंड क्यू क्या होगा वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। वही हमें बताना था कि एक्स की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा, ठीक है। आपका E5 देखो, E5 जो क्वेश्चन देखा क्या देखा है, गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम कैलकुलस। अब आपको कैलकुलस की ही बुक से बोला है ना, मतलब कैलकुलस से आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है दो स्टेटमेंट पी एंड क्यू का, जिसमें पी और क्यू कैसा हो, ट्रू हो, लेकिन पी एंड क्यू कैसा हो, एंड कैसा हो, फॉल्स हो। अभी समझा इसका मतलब क्या है, देखो समझना, मतलब आपको पी और क्यू ऐसी दो स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, जिसका पी क्यू कैसा आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, ठीक है, और पी एंड क्यू कैसा आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, सेम यानी सेम एक स्टेटमेंट का, ठीक है। अभी देखो, अभी करके दिखा देते हैं, ठीक है। यानी आपको ऐसी दो स्टेटमेंट पी और क्यू लेनी है जिनका पी और क्यू करो तो ट्रू आ जाए, और अगर सेम उन्हीं स्टेटमेंट का, सेम उन्हीं स्टेटमेंट का अगर हम पी एंड क्यू करें तो फॉल्स आ जाए, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलस का सबसे एक और सिंपल सा एग्जाम्पल, मान लिया आपने डेरिवेटिव क्या, डेरिवेटिव ऑफ x3 + 2, इसका डेरिवेटिव करो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² और आपका प्लस का 0, सिर्फ इतना आंसर आएगा। बच्चों हम फ्री बोल रहे हैं, अगर आपको डेरिवेटिव या कैलकुलस नहीं आता हो तो BMTC 131 करना, उसमें डेरिवेटिव करना हमने सिखाया है, ठीक है। तो x3 + 2 का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 3x² + 3x² होगा, और सेकेंड और ले लो डेरिवेटिव, यहाँ पे एक और ले लो, मान लिया हमने क्या ले लिया, सेम ले लो 3 और आपका मान लिया 6 ले लिया, इसका डेरिवेटिव हमने क्या लिख दिया, मान लीजिए सबने इसका लिया कि 7x³ + 2। अब आप खुद नोटिस करना, देखो तो बहुत आराम से देखना कि पहला वाला, अगर आपको डेरिवेटिव आता है, ठीक है, नहीं आता तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर आपको डेरिवेटिव आता है समझ में आएगा कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है यानी x³ का जो डेरिवेटिव 3x² वो क्या है, ट्रू है, सही है, ठीक है। और अगर हमने इसका डेरिवेटिव कर रखा है x⁴ - 6, ये क्या है, ये रॉन्ग डेरिवेटिव, फॉल्स डेरिवेटिव है, ठीक है। और पी और क्यू में क्या बताया था, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है, तो पी और क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा, और एंड में क्या होता, दोनों का ट्रू होना जरूरी है, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू है, क्योंकि एक फॉल्स है तो इसका पी एंड क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। अभी क्लियर है, इस तरीके से आप कोई से भी दो एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी डाउट है डाउट क्लास में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4th में हम लोग करने वाले हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने लॉजिकल कनेक्टिव पढ़ लिया, डिसजंक्शन पढ़ लिया अच्छे से, आज कंजंक्शन पढ़ लिया, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेगेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4th के अंदर। इसी तरीके से नेक्स्ट पढ़ेंगे कंडीशनल कनेक्टिव, ठीक है। बच्चों आपके डेली लेक्चर से मिलेंगे, ध्यान रखना हर 24 घंटे में आपका एक लेक्चर अपडेट होगा, और जब हम लेक्चर नंबर 4th पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने लेक्चर नंबर 3rd में पढ़ाया था ना, आगे बुक की थ्योरी, बुक के सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे हम साथ में करवाते हुए चलेंगे, ठीक है। आप हमारे ये फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर से आपको वीडियो और PDF नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करना होता है उसका वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका वीडियो सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। आपका जो सिलेबस है, जो आपकी बुक है, उनका PDF फॉर्म आपको मिलेगा। इसके साथ ही सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा, और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो आपको समझाया जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओ। और सबसे एंड में क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे 1 मंथ बिफोर आपका पूरे कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होगा क्रैश कोर्स के फॉर्म में, जिससे कि एग्जाम टाइम में भी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4th में।